मैं हूँ अपने घर हजारीबाग में, जो झारखंड में पड़ता है, बहुत ही प्यारी जगह है। तो मम्मी कर रही हैं पूजा, और पूजा करने के बाद बनाएंगी पापड़। तो हम पापड़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रंगोली किचन। ये हमारा पूजा रूम, मम्मी पूजा कर चुकी हैं और अब बनाएंगी वो पापड़। तो आप लोगों को ले चलते हैं पापड़ बनाने के एरिया में, तो चलिए चलते हैं। आज माँ बना रही है साबूदाने का पापड़, तो बहुत ही इजीली घर में बनकर तैयार होता है। तो मम्मी से पूछते हैं क्या क्या डाला है उन्होंने और कैसे बनाया है, तो चलिए पूछते हैं उनसे। हाँ माँ बताओ कैसे बनाया। अगर पानी ले लो। हाँ पानी ले लो, दाना डाल देना। हाँ। चलाते रहो। हाँ। तो फिर बाद हो जाएगा तो सब कुछ डाल दो। हाँ, सारे मसाले डाल। सारे मसाले जैसे जीरा, काली मिर्च। हाँ। और मैं तेल, मंगरेला यानी कलौंजी। हाँ। अजवाइन। हाँ। हाँ। तो बड़े आराम से ये पापड़ घर में बनकर तैयार होगा। प्लास्टिक पे बन रहा है ताकि आराम से निकल जाए, सूख के निकालने में दिक्कत ना हो। तो देखिए बहुत ही इजीली बनके तैयार होता है घर में पापड़। शैडो आ रहा है हमारा क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। जिला दे दियो। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ तो है ना बहुत आसान। तो बस इस तरह से आप भी बनाइए पापड़ घर में, बहुत इजीली तैयार होता है। तो अभी देखिए इस तरह से बनाया जा रहा है इसे। तो ये देखिए बनकर तैयार हो चुका है, और अब इसे पूरा दिन धूप में सुखाना है, और जब ये सूख जाएगा तो सारे निकाल लेंगे प्लास्टिक से, और सुखाएंगे इसको थोड़ा सा एक दो दिन, और तैयार है एकदम खाने के लिए। तो बस दाल चावल के साथ एंजॉय कीजिए इसको, या फिर चाय कॉफ़ी के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा। तो छोड़िए बाहर का मिक्सचर खाना और बनाइए ये साबूदाना का पापड़, और एंजॉय करिए इस रेसिपी को। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।